दोस्तों ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने आउटलेट से किसी एसोसिएट का बिल कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। आप imcbusiness.com खोलें और डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन पर जाएं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका स्टोर आईडी, पासवर्ड और ये सब मांगेगा। आपको अपना स्टोर आईडी डालना है, पासवर्ड भी डालना है और वेरिफिकेशन कोड जो नीचे दिया हुआ होता है वो डाल के आपको एंटर करना है। ये आपका खुल गया दोस्तों स्टोर पैनल। ये जो स्टोर पैनल है इसमें आपका नाम वाम आता है, देख सकते हो। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, परचेज ऑर्डर हो गया या इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया, एडमिन हो गया, रिपोर्ट्स हो गया। इन सब से आप तरह तरह के अपना स्टॉक बैलेंस, लास्ट बिलिंग, कितना स्टॉक पड़ा है, अपना पीओ बनाना, सब आप यहां से कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको किसी एसोसिएट का बिल बनाना है तो आपको इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जाकर के आपको न्यू इनवॉइस एसोसिएट पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आपको फिर जिस बंदे के आईडी पे बिल करना है उस बंदे का आईडी नंबर डालना है, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट करना है कि उसका बिल काटना है तो बिल में सामान क्या जाना है। यहाँ पे दो तरीके हैं, एंटर कोड से भी कर सकते हो, सेलेक्ट प्रोडक्ट बाय नेम से भी कर सकते हो। तो मैंने सेलेक्ट प्रोडक्ट किया क्योंकि मुझे कोड मालूम नहीं है। यहाँ पे मैंने चुन लिया क्या क्या चीज़ें हैं, सारी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जो रेलिवेंट प्रोडक्ट जो ग्राहक को चाहिए वो चुन करके आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास दिखा देगा कि कितना आपके पास स्टॉक में माल पड़ा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, तो आपको एक एक चाहिए, आपने एक डाला। यहाँ पे दोस्तों सेव एंड एड मोर और सेव एंड क्लोज, अगर आपको इस माल के अलावा और भी माल डालना है, और भी माल चाहिए तो आप यहाँ पे सेव एंड एड मोर करो, और यही सामान बिल करना है तो सेव एंड क्लोज करो। तो मुझे और सामान ऐड करना है तो मैंने सेव एंड ऐड मोर का ऑप्शन क्लिक किया और वापस से मैंने सेलेक्ट प्रोडक्ट किए और आगे से आगे मैंने सामान सर्च करने स्टार्ट कर दिए। दोस्तों श्री तुलसी का मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है, वही सेम स्टेप, क्वांटिटी कितनी है दिखा देगा, एक करना है और डालना है तो ऐड मोर, और यही करना है तो क्लोज। अब दोस्तों मैंने एक बिल बना दिया ये वाला जो सबमिट होने वाला है, लेकिन मैं एक चीज़ डालना भूल गया। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो ऊपर जाओ और ये वापस से सेलेक्ट प्रोडक्ट करके आप और चीज़ें वापस से ऐड कर सकते हो। फिर मैंने सामान ऐड कर दिया और सामान ढूंढ लेता हूँ मैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी बिल होने वाली है। एलोवेरा जूस स्टॉक में कितना पड़ा है दिखा देगा। इस प्रोडक्ट के बाद मुझे और कुछ नहीं डालना है तो मैं सेव एंड क्लोज का ऑप्शन चूज करने वाला हूँ। अब मैंने किया सेव एंड क्लोज। दोस्तों जैसे ही ऑप्शन मैंने चूज किया मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा, वापस से चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेव एंड क्लोज मैंने किया। ये करने के बाद आप समरी चेक कर लो कि भैया इतने का सामान है, ये तीन प्रोडक्ट हैं, क्वांटिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, एवरीथिंग। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, इतना अमाउंट आपको लेना है और ये आपका बिल हो गया। इस बिल को आप प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे कितना बीवी गया, कितना वॉल्यूम गया, सब कुछ दिखाई देगा। तो दोस्तों बड़ा आसान है। इसी तरह से आप परचेज ऑर्डर भी, ऑप्शन नंबर पहला जो परचेज ऑर्डर है यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, पूरा कन्वीनियंट ऑप्शन, बड़ा ही फ्रेंडली ये वेबसाइट पे जो है हर चीज़, स्टॉक बैलेंस आप देख सकते हो, कितना बैलेंस, कितना स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो।